चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत जल्दी गिव अवे लेके आने वाली, जिसमें मैं बहुत सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी देने वाली हूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन यार, ये पहनने के बाद में इसका लुक देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैं तो बहुत अच्छी, जैसी मैंने सोची थी ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आई है। वीडियो है ना आज का, ये होने वाला है मीशो रेडीमेड साड़ी होल, या फिर आप इसको प्रेस्टीज साड़ीज भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे प्लीज प्रेस्टीज साड़ी या फिर रेडी टू वेयर साड़ीज लेकर के आइए, रेडी टू वेयर साड़ी लेकर के आइए, तो मैंने सोचा मैं लेकर के आती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आपके सामने मैं इनकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, कि कैसी आई हैं कैसी नहीं आई हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम गवाए हम शुरू कर देते हैं आज का। ये है फर्स्ट साड़ी और ये देखिए इस तरह से आई है। ये साड़ीज प्री स्टिच हैं और इनके साथ में इनका ब्लाउज अनस्टिच दिया गया है। तो ये है अपनी फर्स्ट साड़ी, चलिए इसको ओपन करते हैं जल्दी से। तो ये देखो ये है साड़ी, इस तरह से आपको मिलेगी प्री प्लीटेड पूरी साड़ी। इस पर आपको ये वाला डिज़ाइन पूरे उस पर मिलेगा, बुना हुआ डिज़ाइन है, प्रिंट वगैरह नहीं है। ये साड़ी हाफ एंड हाफ स्टाइल में जाएगी, यानी कि ये हिस्सा जो है इसका ब्लैक वाला, ये पल्लू स्टाइल में जाएगा, ये इसका बॉर्डर रहेगा आपका। और ये वाला जो हाफ इसका मेजेंटा कलर का है फैब्रिक, ये सब आपका प्लीट्स में जाने वाला है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइप्स का फैब्रिक दिया हुआ है, स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन है। इतने सारे इसमें हुक जैसे दिए हुए हैं, जिसकी हेल्प से आप इसमें अटका सकते हैं कहीं पर भी हुक को, और ये आपकी साड़ी रेडी हो जाएगी। मैं ना इसको आपको पहन करके दिखाई ट्राई ऑन में कि इसका स्टाइल कैसा रहा है, लुक कैसा रहा है। सो ये है इसका ब्लाउज़ पीस, ब्लाउज़ पीस इसका इस तरह से इन्होंने डबल फोल्ड करके सिल रखा है। ब्लाउज़ का फैब्रिक ओके इस टाइप का, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, सेमी सिल्क टाइप नहीं है, ये थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स ज़्यादा लग रहा है। सो ये है साड़ी अपनी और साड़ी का लुक बहुत प्यारा आ रहा है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा हैवी वाला है। ये इसका पल्लू जाएगा, पल्लू आपको कुछ इस तरह से फुल्ली गोल्डन कलर का इस पर वर्क मिलने वाला है। तो एकदम आपको ना एकदम हैवी ट्रेडिशनल लुक के लिए ये वाली साड़ी बेस्ट है यार, ये बहुत प्यारी लगती है। अगर आप अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए या फिर आपके घर में शादी है कोई, उसके लिए आप सर्च कर रहे हैं ना कुछ इस तरह का ऑप्शन, तो इसको जरूर ट्राई करें। 1300 के अराउंड मैंने, 1300 के अराउंड मैंने खरीदी है, मतलब विद इन 1400 रुपीज़ में आपको ये साड़ी मिल रही है, मतलब अफोर्डेबल ही बोलूंगी मैं, क्योंकि सिल्क की साड़ीज फैब्रिक इतना अच्छा वाला जिसका होता है वो काफ़ी महंगी आती है, और ये बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर से ये प्री स्टिच भी है, जिसको आपको बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना, और अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अब, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से देखते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी। नेक्स्ट साड़ी जो है ना वो भी मैं आपको किस में दिखाऊँ, थोड़ा हल्का वाला फैब्रिक दिखाती हूँ, ये वाला। इसका प्राइस रेंज मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो ये है अपनी सेकंड साड़ी, इसका भी फैब्रिक जो है वो इन्होंने जॉर्जेट लिखा हुआ था, और ये साड़ी कुछ इस तरह से आपको गोल्डन गोल्डन जरी वर्क है ये पूरा का पूरा, इस साड़ी पर आपको दिख रहा है ना। तो इसमें भी आपको इस तरह से बेल्ट लगी हुई मिलेगी यहाँ पर, इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स बनी हुई मिल रही है, जिसकी वजह से आप इसको कहीं पे भी टक इन कर सकते हैं, आपका वेस्टलाइन कितना ही पतला हो कितना ही मोटा हो इजीली आ जाएगी। और इसमें यहाँ पर आपको प्लीट्स बनी हुई मिल रही हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से, ये सारी प्लीट्स आपको इस साड़ी में मिलने वाली हैं यार। इसे बहुत सुंदर लग रही है देखने में ना, पार्टी वेयर लुक लग रहा है इसका, लेकिन इसको अनमेरिड गर्ल्स भी पहन सकते हैं, इसका फैब्रिक बहुत हल्का है जिसको अनमेरिड गर्ल्स भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ऑल ओवर डिज़ाइन इस साड़ी पर आपको मिलेगा इस तरह से, और इन्होंने यहाँ से इसको पल्लू को स्टिच कर दिया है, तो ये इसका कुछ ऐसा लुक है। इसको मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ, फैब्रिक को देखिए इस तरह से इसमें आपको दिख रहा है डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, बुना हुआ है इसमें। तो ये कितना ही आप वॉश करो, कैसे भी वॉश करो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। सो इसका लुक भी कुछ इस तरह से पार्टी वेयर लुक बहुत सुंदर आने वाला है। आप किस इसके साथ में जिस तरह की ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर लग रही है साड़ी भाई, रेडीमेड साड़ी ही बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस तरह की साड़ीज आपने परचेस कर ली तो आप वो पुरानी रखी हुई साड़ीज को पहनना पसंद करके, जिनको पहनने में टाइम लगता है। और इस साड़ी के साथ में इसका ब्लाउज फैब्रिक जो दिया है इन्होंने ब्लैक कलर का दिया, आई डोंट नो फोटो में कुछ ऑरेंज सी कलर का दिखा रखा था शायद, या ब्लैक ही था, ये वाला ब्लैक कलर का फैब्रिक है। इसका जो फैब्रिक है ना वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये फैब्रिक मुझे ओके ओके टाइप लग रहा है, इसका फैब्रिक का ब्लाउज सिलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। नेक्स्ट खोलते हैं, वो भी एक सिल्की साड़ी है जो इस तरह से मिली है। सो ये भी ब्रांड जो है सिरिल करके ब्रांड थी, दोनों ही जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ऑरेंज वाली वो वाली भी, और ये भी सेम ब्रांड है, और इसका फैब्रिक काफ़ी हैवी लग रहा है ब्लैक वाली के मुकाबले। सो ये भी अपनी प्री स्टिच साड़ी है, साड़ी में आपको इस तरह से ये वाले हुक्स टाइप के बना करके दिए हैं बेल्ट। ये है अपनी साड़ी, ये वाला हिस्सा इसका अंदर जाएगा पूरा, ये इसमें इन्होंने इसका ब्लाउज पीस लगा के दिया है डार्क मेजेंटा कलर का, या फिर पर्पल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको साड़ी कुछ इस तरह से मिलेगी, यहाँ पर पूरे पे आपको ये वाला वर्क मिलने वाला है, जरी वाला कपड़े में बुना हुआ है, और यहाँ पर आपको इसमें प्लीट्स बनी हुई मिल रही हैं जो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बनी हुई हैं। आप ट्रायन में देख सकते हैं कि ये पहनने के बाद में कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है नहीं फैल रही है, वो सब आपको ट्रायन में दिख रहा है। ये इसका पल्लू जाएगा, पल्लू पर आपको कुछ इस तरह से वर्क मिलने वाला है गोल्डन कलर का, और ये इसका बॉर्डर है जो आपकी शोल्डर पर आएगा। सो इसका लुक बहुत अच्छा जाने वाला है, नीचे की साइड इस साड़ी पर ये वाला बॉर्डर मिलने वाला है आपको,
जो आपको इसके फॉल पे देखने को मिलेगा बहुत अच्छी है। विद इन 1000 रुपीज आपको इतनी अच्छी साड़ी कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं, बहुत अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं आज के हॉल के सबसे महंगे प्रोडक्ट की। ये है वो साड़ी मैरून कलर की जो बहुत अच्छी आई है, ये मैंने खोल के भी देखी है और ये सच में जैसी मैंने सोची थी ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आई है। और इसके एक्चुअल प्राइस अगर आपको बताऊँ तो 4849 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ है और मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर मिली है। तो और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी है, मैंने ऑफलाइन खरीदी है। अगर आपको ये साड़ी लेनी है तो आपको इसके लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। सबसे पहले ये साड़ी दिखाती हूँ, ये भी एक सेमी स्टिच या फिर प्री प्लीटेड साड़ी आप बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने इसको पैक करके दिया है। इस साड़ी को पैक करने का तरीका भी अलग ही होता है। ओके, तो ये है साड़ी में कुछ इस तरह से आपको प्लीट बनी हुई, यहाँ पर इस तरह से बेल्ट लगी हुई है। तो ये है अपनी साड़ी, साड़ी का देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको प्लीट्स बनी हुई मिल रही हैं। इसका जो फैब्रिक है वो शिफॉन है ट्रांसपेरेंट वाला और जो कलर है वो मैरून है, बहुत ही खूबसूरत वाला ब्राइडल वेयर आप बोल सकते हैं वो वाला कलर है। इस पर आपको कुछ इस तरह से जरी का वर्क मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको इसको डबल लेयर करके दिखाती हूँ। सो ये वर्क आपको इस साड़ी पर मिलेगा, देखिए कितना खूबसूरत सा ये इसका बॉर्डर है। इस पर आपको इस तरह से बॉर्डर जरी वर्क मिलने वाला है, बहुत ही फिनिशिंग से पूरा का पूरा काम हुआ है। साड़ी आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कलर में आई है, ये पूरा वर्क आपको मिलेगा। और ये इसका पल्लू है, पल्लू आपको कुछ इस तरह से पूरा भरा हुआ मिलने वाला है, यहाँ पर गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। ये वाला देखिए साड़ी पर बहुत सुंदर, और इसमें सबसे लास्ट में आपको इस तरह से टैजल्स लगे हुए मिलेंगे पल्लू में, हीट्स भी बना करके दी हैं इस तरह से, यहाँ पर बेल्ट लगा के दी है और इसमें बैक साइड में आपको इलास्टिक भी मिल रही है जो काफ़ी अच्छी पकड़ बनाती है साड़ी पर। तो ये साड़ी ना बिल्कुल पतले लोगों को भी आराम से आ जाएगी, जिनकी वेस्ट लाइन बिल्कुल ही 26-24 होती है ना उनको भी परफेक्टली जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं इलास्टिक की वजह से। ये इसका अंदर की साइड जाएगा इसका ये वाला पार्ट, और इसमें यहाँ पर आपको ये वाला ब्लाउज पीस दिया गया गोल्डन कलर का, आप देख लीजिए इस तरह से पूरे गोल्डन कलर का वर्क है। तो इसका तो आप ब्लाउज बनवा सकते हैं डेफिनेटली, बहुत सुंदर लगने वाला है। इस ब्लाउज पीस में भी आपको इधर की साइड ये वाला बॉर्डर दिया है जिसको आप इस पर डिज़ाइन बनवा सकते हैं, ब्लाउज में ये वाला बॉर्डर आपको इसमें मिलने वाला है। और इस साड़ी में ना इन्होंने अंदर की साइड में पेटीकोट की जरूरत नहीं है आपको, इसमें इन्होंने क्रेप का कपड़ा अंदर की साइड एज अ स्कर्ट लगा के दिया है। ये देखिए इलास्टिक वाले एरिया से इन्होंने पूरा नीचे तक और ये रैप अराउंड आपके जहाँ पर रहेगी वहाँ तक इन्होंने ये फैब्रिक लगा के दिया है। सो इसके अंदर आपको पेटीकोट की भी जरूरत नहीं है, ये विद पेटीकोट आपको मिल रही है। बहुत अच्छी साड़ी, अगर आपको ये लेनी है तो आपको डेफिनेटली कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत 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 प्यारी सी साड़ी को देख करके ना मैं सच में खुश हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा ना मैं मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी सी साड़ियाँ आती हैं यार प्रेस्टीज में। तो अब नेक्स्ट साड़ी दिखाते हैं आपको जो मीशो की है, ये है नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी काफ़ी कॉमन है मीशो पर, अमेजोन पे, सब जगह आपको मिल रही है, प्राइस में थोड़ा सा अप डाउन हो। और देखिए कुछ इस तरह से ये है, ये साड़ी है आपकी, साड़ी पर इस तरह से आपको बेल्ट लगी भी मिलेगी, स्ट्राइप्स आपको दिख रही हैं इस साड़ी में, ये इसका उल्टा हिस्सा। इस साड़ी में आपको इस तरह से स्ट्राइप्स मिलने वाली हैं और उन पर स्पार्कल लगाया हुआ है ये सिल्वर कलर का ना। सो ये ट्रांसपेरेंट और लाइट ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स मिलेंगी और इस साड़ी में सबसे नीचे जा करके आपको इस तरह से ओम्बर शेड मिलेगा ऑरेंज का, बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह से जाने वाला है। ये इसका ब्लाउज पीस है, देखिए इस पर आपको पूरे पे पोल्का डॉट्स मिल रहे हैं, साथ ही इस पर भी इन्होंने ग्लिटर लगा के दिया हुआ है, तो आप इसका ब्लाउज बनवा सकते हैं क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छा है इस ब्लाउज पीस का। सो इसके साथ में ही जाएगा ये इस तरह से, ओके। और चाहे तो आप इसको ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ भी पेयर कर सकते हैं, कॉमन कलर है वो। ये इस तरह से आपको यहाँ पर बेल्ट लगी हुई मिल रही है, यहाँ पर प्लीट्स बनी हुई हैं, इस साड़ी में आपको सारी प्लीट्स बनी हुई मिल रही हैं। अंदर की साइड आपको हुक का सिस्टम दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। और ये इसका बाकी का रैप अराउंड जो रहेगा आपका वो रहेगा, ये पल्लू इस तरह से आपका जाने वाला है डबल शेड में। इसमें कलर्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये सबसे प्यारा लगा था, ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने ये वाली बाय की है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा, ग्लिटर शेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, फैब्रिक एकदम हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट जिसमें गर्मी भी ना लगे आपको और पहन करके बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा वो वाला फैब्रिक है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, बट और बाकी की साड़ीज़ के मुकाबले ये थोड़ी सी मुझे हल्की जा रही है देखने में, लुक इसका थोड़ा हल्का वाला आ रहा है। तो इसको एज अ यू नो डेली वेयर में भी लोग बात पहनना पसंद करते हैं साड़ी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, आप जरूर इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी साड़ी। आज की वीडियो का लास्ट पीस जो है ये साड़ी है जो मैंने अभी रिसेंटली अभीक्षा जो यूट्यूबर है काफ़ी फेमस है उनको भी पहने देखा था, तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर वाली साड़ी मंगाई है। ये साड़ी मेरे को मीशो पर नहीं मिली थी, इसे मैंने अमेजोन से बाय किया है। सो ये है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन। इसमें आपको कुछ इस तरह से बांधने का सिस्टम दिया गया है दोनों तरफ, इसमें आपको अंदर की साइड पेटीकोट का फैब्रिक भी लगा के दिया है, आपको पेटीकोट भी इसके साथ में पहनी जाती है, इलास्टिक मिलेगी बैक साइड में, बहुत अच्छी साड़ी है। अमेजोन से देखिए जो चीज़ परचेज की वो थोड़ी सी डिफरेंट निकली ना, और इसका प्राइस भी कुछ ऐसे ही है 800-849 के अराउंड। भाई ये साड़ी बहुत अच्छी निकली है, लहरिया प्रिंट में कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना खूबसूरत है, इतने सारे इसमें हुक्स दिए हैं, प्लीट्स नहीं बनाई गई वाली, ठीक है। और ये इसमें इसका ब्लाउज पीस लगा के दिया गया है साइड में ना, आप इसमें ब्लाउज बनवा सकते हैं, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है।
ये इसमें यहाँ पर आपको इधर की साइड आकर के यहाँ पे प्लीट्स बनी हुई मिल रही हैं, और ये ओवरऑल साड़ी आपकी ऐसे ही जाने वाली है। और सबसे लास्ट में जाके इसके पल्लू पर भी आपको देखिए टेजल्स वाली लेस लगा के दिए, जो बहुत सुंदर सी लग रही है पिंक कलर की। और इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, जॉर्जेट है बट बहुत ही अच्छे वाला जॉर्जेट है। कलर कॉम्बिनेशन देखो क्या ग्रेट लग रहा है, बहुत सुंदर है। मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन यार, ये पहनने के बाद में इसका लुक देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखिए भाई, सबसे अभी तक आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे तो ये लास्ट वाली भी बहुत प्यारी लग रही है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, लुक तो इतना प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत सुंदर साड़ी है। वाओ, आपको इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी वो आप मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताओ दोस्तों जल्दी से कि आपको कौन सी अच्छी लगी और आप कौन सी खरीदने जा रही हैं। अगर आप अमेजोन से खरीद रही हैं या फिर मीशो से, तो आपको विद इन 4 to 5 डेज ये डिलीवर हो जाएगा विदाउट एनी फास्ट डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी डेज में भी आपको जल्दी से रिसीव हो जाएगा। भाई जल्दी से बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत जल्दी गिव अवे लेके आने वाली, जिसमें मैं बहुत सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी देने वाली हूँ। सो गाइज इस चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट करते रहिए आप इसी तरह से, और बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।